हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जी साथियों, बात करेंगे आज जापान की। जापान जादुई देश क्यों है, इसका मैं रीज़न बताऊंगा। आप वहां पे क्यों जाओ, वहां पे सेटल कैसे होना है, इन सब के बारे में मैं साथियों डिटेल से बताऊंगा। साथियों बात करें जापान और चाइना में अंतर में, तो साथियों जापान आज एक बहुत अलग कंट्री है और बहुत अपने आप को आगे ले गया है। हम चाइनीज़ चीज़ और जापानी चीज़ को ख़रीदते हैं मेड इन जापान या मेड इन चाइना, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस मेड इन जापान को देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जापान चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं। टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत आगे हैं, बुलेट ट्रेन वहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। और बात करें साथियों जापान की, तो जापान की सबसे बड़ी कैपिटल जो है, सिटी है, वो टोक्यो है। टोक्यो ही वहाँ की सबसे बड़ी महानगर है। जापान की लोकल भाषा जापानीज है, और साथियों वहाँ की करेंसी भी इंडियन INR से मिलती जुलती है। लेकिन साथियों एक चीज़ समझना, जापान का दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान का है। साथियों 189 कंट्रीज जो हैं जापान को ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। तो साथियों दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो जापानी पासपोर्ट है। और साथियों बात करेंगे कि अब हम जापान जाके आगे कैसे मूव हो सकते हैं, वहाँ पे सेटल कैसे हो सकते हैं। तो साथियों यूँ समझो, एक बार जापान ने अगर आपको वीज़ा दे दिया तो दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आपको वीज़ा नहीं देगी। एक झटके में, ईजिली वे में आपको वीज़ा मिल जाएगा। रही बात साथियों कि जापान का, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें क्या खासियत है। साथियों जापान की अगर बात करूँ तो जापान अभी प्रेजेंट टाइम में दुनिया के सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 100+ एज जीने वाले, 100 से साल ज़्यादा जीने वाले लोग जापान के अंदर हैं, और मृत्यु दर के मामले में जो सबसे लंबी आयु जीते हैं उसमें जापान नंबर वन है। साथियों वहाँ की एवरेज प्रति जो एज है, जो वर्ल्ड रेशियो है, उसके अनुसार 76 कुछ साल है वहाँ पे लोग जीते हैं। तो इस कारण वहाँ की जो साथियों जो अभी आबादी है वो बुजुर्ग हो रही है, और आने वाले 10 सालों में वहाँ की 35-40% आबादी है वो बुजुर्ग होगी। तो अभी साथियों जापान गवर्नमेंट है वो शादी करने के ऊपर प्रोत्साहन राशि और दे रही है। अगर कोई भाई जापान में शादी करता है और वहाँ पे बच्चे पैदा करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट से लगभग 4.5 लाख रुपए मिलते हैं, घर मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो कोई भाई अगर वहाँ पे जापान जाके अभी सेट होना चाहता है या आगे मूव होना चाहता है, आगे मूव होने के लिए तो सबसे बेस्ट कंट्री है जापान। लेकिन अगर साथियों वहीं सेटल होना चाहता है तो आपको पता है जापान आज एक टेक्नोलॉजी वाला देश है, जो अपने से आज कम से कम 30 साल आगे हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ उन्होंने डेवलप कर रखी हैं। अगर बात करूं वहाँ पे आपको वेडिंग मशीन लगी हुई है जगह जगह, आप अपना रेडी टू मूव खाना वहाँ पे कहीं भी यूज़, आप जैसे होटल रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वहाँ पे आपको जगह जगह वेडिंग मशीन लगी हुई, वहाँ पे आप ये खाना खा सकते हो। तो साथियों जापान अगर कोई भाई जाना चाहता हो, वीज़ा लगवाना चाहता हो, जापान से रिलेटेड वीज़ा की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे कोई अगर पेपर मैरिज करना चाहता हो उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, तो साथियों आप मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।